नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं CNN न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण बढ़ने के साथ अब फिर से शराब ऑनलाइन बेची जाएगी। प्रदेश के आबकारी मंत्री के निर्देश के बाद अब जिला स्तर के अधिकारियों को अपने अपने शहरों में ऑनलाइन शराब की बिक्री करने को कहा गया है। हालांकि ऑफलाइन भी दुकान से शराब मिलेगी। सरकार ने शराब दुकानों में भीड़ कम करने के लिए ऐसा फैसला लिया है। आपकी मंत्री कवासी लखमा ने अधिकारियों से कहा कि सभी देशी और विदेशी मदिरा दुकानों में सैनिटाइजेशन बैरिकेटिंग की जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, यह जिला प्रबंधकों को देखना होगा। अब छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड ने भी सभी जिलों को इस संबंध में निर्देश दिए हैं। आबकारी विभाग के अधिकारियों का कहना है कि CSMCL ऑनलाइन नाम के ऐप से CSMCL.in की वेबसाइट पर ग्राहक शराब ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर करने से पहले ग्राहकों को अपना मोबाइल नंबर, आधार कार्ड डिटेल और पूरा पता देना होगा। ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करने के समय यूजर को शराब का नाम और उसका रेट ऐप पर या साइट पर दिखेगा। इसके बाद ग्राहक के बताए पते पर डिलीवरी एजेंट शराब पहुंचा देगा। इसके लिए ग्राहकों को डिलीवरी चार्ज भी देना पड़ सकता है। कोरोना से बचाव के लिए प्रदेश में 15 से 18 वर्ष के किशोरों का तेजी से टीकाकरण किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि 3 जनवरी को इस आयु वर्ग के टीकाकरण की शुरुआत के बाद पहले 4 दिनों में ही कुल लक्ष्य के 38% किशोरों को टीका लगाया जा चुका है। मुंगेली, राजनांदगांव, धमतरी और महासमुंद जिले में शुरुआती 4 दिनों में ही कुल लक्ष्य के आधे से ज्यादा किशोरों का टीकाकरण किया जा चुका है। वहीं बालोद, बेमेतरा, कांकेर, गरियाबंद और कोंजा गांव भी इसके करीब है। सभी जिलों में बनाए गए टीकाकरण साइट्स में बच्चे उत्साह से पहुंचकर टीका लगवा रहे हैं। साल 2005, 2006 और 2007 में पैदा हुए किशोरों का इन केंद्रों में टीकाकरण किया जा रहा है। सरकार के मुताबिक 3 जनवरी से 6 जनवरी के बीच मुंगेली जिले में कुल लक्ष्य के 67%, राजनांदगांव में 57%, धमतरी में 56% और महासमुंद में 51% किशोरों का टीकाकरण किया जा चुका है। वहीं बालोद और बेमेतरा में 15 से 18 वर्ष के 48-48%, कांकेर में 47%, गरियाबंद में 46%, कोंडागांव में 45% और बलौदा बाजार भाटपारा में 40% बच्चों को टीका लगाया जा चुका है। खबरों में अब तक ये बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CNN न्यूज।